हिंदू धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान के समय हाथ में लाल रंग का कलावा बांधने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। हाथ में कलावा बांधना बेहद शुभ माना जाता है। इसे मोली के नाम से भी जाना जाता है। कलावा मुख्यतः तीन रंगों से मिलकर बनता है, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माना जाता है। कलावे को हाथ में तीन बार ही लपेटना चाहिए। पूजा पाठ के समय लाल और पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पूजा में भाग लेने वाले सभी भक्तगण भी लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसी दो राशियों के बारे में बताया गया है जिनके लिए कलावा बांधना अशुभ होता है। जी हाँ, ऐसे लोग यदि अपने हाथ में कलावा बांधते हैं तो उन्हें कई परेशानी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही ऐसे लोगों से शनि देव भी नाराज हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कहीं आपको कलावा नहीं बांधना चाहिए और आप कलावा बांध रहे हैं। आप उनमें से तो नहीं जिन्हें कलावा नहीं बांधना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि किन दो राशि वालों को कलावा भूलकर भी नहीं बांधना चाहिए। इन दो राशि वालों के लिए कलावा बांधना बेहद अशुभ साबित होता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुंभ और मकर राशि वाले लोगों को हाथ में कलावा नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि कुंभ और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव को लाल रंग अप्रिय है। जी हाँ, शनिदेव को लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए शनिदेव के स्वामित्व वाली राशि के लोग यदि हाथ में कलावा बांधते हैं तो शनिदेव उनसे नाराज हो जाते हैं। वहीं एक कारण यह भी है कि कलावे का लाल रंग मंगल देव का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में मंगल और शनि को एक दूसरे का शत्रु माना गया है, इसलिए मंगल और शनि की युति से भी खतरनाक षष्टांक और द्वंद योग बनते हैं, जिसे अशुभ माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म में कलावा बांधने की परंपरा काफी पुरानी है। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में कलावे का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। हिंदू धर्म में कई पवित्र पेड़ पौधों में भी कलावा बांधने का महत्व है। लेकिन बात करें हाथ में कलावा बांधने की, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हाथ में कलावा बांधने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और व्यक्ति परेशानियों से दूर रहता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। पुरुषों और कुंवारी कन्याओं को हमेशा दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए, वहीं वैवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कलावा बांधने का महत्व क्या है। कलावे में तीन रंग मिले होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए कलावे को हमेशा हाथों में तीन बार लपेटे हुए ही बांधने का महत्व है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ लोगों के लिए कलावा हाथ में बांधना अशुभ भी हो सकता है। अगर आपकी भी राशि मकर या कुंभ है तो ध्यान रखिएगा कि आप हाथ में कलावा ना बांधें, क्योंकि कलावा आपको परेशानी में डाल सकता है। ये रक्षा सूत्र तो होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दो राशि वालों को भी हाथ में कलावा नहीं बांधना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।